इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। मुझसे धक्का बाजी, मुझसे धक्का बाजी, बेवफा औरत, तुझे तो आज छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, मारूंगा तुझे। छोड़ मेरी बहन को, हट, इधर से भाग। तू तलाक लेगी मुझसे? तलाक चाहिए तुझे? अरे औकात है क्या तुम दोनों की? औकात है क्या? हाँ, मुझे छोड़ कर जाएगी? मैं नशे में था तो तलाक नामे पे मेरा अंगूठा लगाया तुम दोनों ने, बेईमानी, दगाबाज, चिट्टाई। क्या करते? ये साथ अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते। नहीं रहना मुझे तेरे साथ, नहीं रहना है, नहीं रहना है। चल, क्यों रोती है? खुश रखूंगा मैं तुझे। अब क्या होगा दीदी, अब आप ही बताइए, अब कैसे गुजारा करेंगे? तो चिंता मत कर छोटे, दुनिया में मर्दों की कमी है क्या? काकी, कितनी सुंदर है ना? हाँ बेटा, हमारे गांव में ना किसी के रिश्ते में लगती है। अच्छा, विमला नाम है इसका। इसका पहला पति ना बेवड़ा था, बहुत मारता पिटता था बेचारी को, और एक दिन गिर पड़ के मर गया। ना बाल ना बच्चा, अकेली रहती है वो। इनकी कहानी भी बिल्कुल मेरे बाबूजी जैसी ही है, मेरी माँ अकेले छोड़कर गुजर गई। पर काकी, मुझे लगता है मेरे बाबूजी और इनकी खूब जमेगी, ये दोनों एक दूसरे को बहुत खुश रखेंगे, है ना? क्या हो रहा है? किसको खुश करने की बातें हो रही है? आपको, हमारी लल्ली ने आपके लिए दुल्हन चुन ली है। सुंदर है ना? देखिए ना, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? क्यों, आप भी इसका साथ दे रही है? इसकी शादी की उम्र है और अब मैं शादी करूंगा? कमाल करती है आप भी, आपको इसके लिए लड़का देखने को बोला था। आप कहते हो इसके लिए लड़का देखो, और ये कहती है पापा के लिए लड़की देखो। देखो भाई, आप दोनों ना सोच समझ के नहीं मुझे जवाब दे देना, मैं तो चल। काकी सुनो तो। ना बाबा, मुझे नहीं तुम दोनों के बीच में पड़ना है। काकी देखा, चली गई ना काकी। बाबूजी, आपको शादी करनी ही पड़ेगी, मुझे नहीं पता। शादी तुझे करनी पड़ेगी? हाँ। अच्छा, और फिर क्या होगा? आपका ख्याल कौन रखेगा, और ये खेत उनका ख्याल कौन रखेगा? वो हो जाएगा, होगा जब आप शादी कर लोगे। एक बार कह दिया ना, ना तो ना। अच्छा ठीक है, ना तो ना, तो फिर मेरी भी ना है। मतलब? मतलब ये कि अगर आप शादी नहीं करोगे तो फिर मैं भी नहीं करूंगी, दोनों बाप बेटी मिलकर जिंदगी भर हल जोतेंगे। तू पगला गई हो क्या? आप जिद्दी तो बेटी महाजिद्दी। अच्छा मेरी माँ, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। पक्का आप शादी करोगे ना? जिससे बोलोगी मैं उससे ही शादी करूंगा। बाबूजी, एक बात मैं आपको पहले से कह देती हूँ, माँ पर आपसे ज्यादा मेरा हक होगा। माँ, आपको पता है बाबूजी के लिए मैंने ही आपको पसंद किया है। आ
आज से आप इस घर की मालकिन। बेटा इस घर की लक्ष्मी तो ही है, मुझे तो बस तू कुलदेवी का मंदिर दिखा दे, कुलदेवी के दर्शन करने हैं। चलो मैं बताती हूँ। देखकर नहीं चल सकते? तुम कौन हो बे? ये मेरे दोस्त हैं राजू। और मैं मनोज, इस घर की मालकिन के इकलौते भाई, इसलिए अपनी हद में रहो मिस्टर झिंगो, समझे? ना बाल ना बच्चा, अकेली रहती है। भीग रहा था पानी में बेचारी लाली, बिन माँ की बच्ची कितना काम करना पड़ता है ना तुम्हें। लाओ ला ला लाओ, मैं तुम्हारी मदद कर दूँ। कोई जरूरत नहीं है। अरे लाओ ना। मैंने बोला ना लाली। अरे तुम कितना काम करती हो ये सब, गलत बात है। अब तुम ये सब काम नहीं करोगे, यहाँ दीदी है ना, वो सब सारा काम करेंगी। मैं अभी उनको उठा के आता हूँ, ठीक है? अरे सुप्रभात जीजा जी। खुश रहो खुश रहो। बड़ा अच्छा लड़का है नहीं मनोज? बहुत ही स्वाद बने। अच्छा तो एक और ले ले। लाली। हाँ बाबूजी। खेत से आज बाजी तरकारी लेके आना, मैं शहर जा रहा हूँ अनाज की बिकाई के लिए। ठीक है बाबूजी। मैं सोच रहा था कि मैं भी लाली के साथ खेत चला जाता हूँ, मतलब उसकी मदद हो जाएगी और इसी बहाने मैं गांव भी देख लूंगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, ऐसे हमारा बहुत छोटा सा गाँव है, लेकिन देख लेना। लाली ले जाना अपने साथ अपने मामा को। बैठो। बैठ भैया। नहीं मैं पैदल चली जाऊंगी। अरे जा बैठ जा, मेरे भाई में कौन सा कांटे लगे हैं, जो और सुन जल्दी आ जाना, घर में बहुत सारा काम पड़ा है। लाली लाली थोड़ा पकड़ के बैठना, अब तू गिरेगी भी नहीं और मुझे भी थोड़ा मजा आ जाएगा। नहीं मैं ठीक हूँ। राजू ग्राम देवता के वहां आ सकता है, मुझे डर लग रहा है।
मेरा मतलब है कितनी शांति है, दूर दूर तक कोई नहीं है। ये यहाँ क्या कर रहा है? वो ग्राम देवता के दर्शन करने आता है रोज, आप गांव देख लीजिए, तब तक हम दोनों दर्शन करके आते हैं। चल, मुझे तो लगा था कि तू आएगा ही नहीं। कैसे नहीं आता, तूने जो बुलाया था। वैसे ना मनोज मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। अच्छा होगा तो लगेगा ना। तेरी नई माँ कैसी है? पता नहीं। काका को बताया? पागल है क्या? अभी तो बाबूजी और माँ की शादी हुई है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उन दोनों के बीच में कोई भी लड़ाई हो। और वैसे भी मैंने यहाँ कहाँ रहना है, मेरी तो शादी हो जाएगी और मैं अपने घर चली जाऊंगी। देखना तुझे ना बहुत प्यार करने वाला पति मिलेगा। तुझे पता है मैंने बाबूजी से कहा है कि मुझे बिल्कुल अपने जैसा पति ढूंढ कर दे। मेरे बाबूजी जैसा अच्छा इंसान होना चाहिए वो। मेरे बाबूजी जिससे कहेंगे ना मैं उसे आंखें बंद करके शादी कर लूंगी। चल जल्दी अब प्रार्थना करने का नाटक कर लेते हैं, वरना के दिमाग खराब करेगा। चल। फिर तो मेरी और लाली की शादी कभी नहीं होगी। शंकर काका एक गांव में शादी करने के सख्त खिलाफ है। लोग कहते हैं कि जवान अकेली लड़की खुली तिजोरी की तरह होती है, जिसे जब चाहे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। ये कहावत डर से उपजी है और इस डर के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम लोग हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी। क्राइम अलर्ट की आज की इस कहानी में हम आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसी ही हकीकत भरी दास्तान से। महिलाओं के खिलाफ क्राइम हमेशा से ही दूसरे गुनाहों से ऊपर रहा है। इतिहास गवाह है और ऐसे कई किस्से हैं जहां महिलाओं के साथ हमारे समाज ने बदसलूकी की है। हम 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं, मंगल ग्रह पर जाने की बात सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी आज भी अकेली लड़की का फायदा उठाने की हमारी छोटी सोच कायम है। मनोज जैसे लोग गिद्ध की तरह होते हैं, जैसे गिद्ध लाचार और अधमरे जानवर पर घात लगाकर बैठता है, वैसे ही मनोज भी मासूम और भोली भाली लाली पर घात लगाकर बैठा था। क्या मनोज अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा? क्या लाली मनोज से बच जाएगी? या फिर किसी अखबार में एक और बुरी खबर छपने वाली है? आइए देखते हैं। लाली अंदर ना कपड़े पड़े हैं, तुम ना कपड़े धो लेना। हाँ क्या हुआ छोटे, इतना मुंह क्यों फुलाए हुए हो? तुमने तो शादी कर ली, लेकिन मेरा क्या? अरे सोचा था कि जाके थोड़े से मजे ले लूंगा, लेकिन इस लाली ने अपने दोस्त राजू को बुला लिया। अरे छूना तो दूर, मैं तो उसे ठीक से ताल भी नहीं पाया। हालत देखो मेरी, कैसे सूखता जा रहा हूं मैं। अरे छोटे चिंता क्यों करते हो, ये लो और जा, आज रात जिंदगी के मजे लूटा जा। और जीजा जी? जीजा जी की चिंता छोड़ दे, जीजा जी को तो मैं संभाल लूंगी। कैसी हो धर्म पत्नी जी? तुम तो मर गया था। तुम दोनों भाई बहनों ने तो मुझे मारने की बहुत कोशिश की, अब मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ मेरे भाई को, छोड़, छोड़ मेरे भाई को, मेरे भाई को छोड़, छोड़ मेरे भाई को। ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये? कौन हूँ मैं? पूछो इससे। बोल, बोल। जबान को अटैक आ गया? मैं बताता हूँ, मैं इसका पति हूँ। ये दोनों मुझे मारकर भाग गए थे, अब मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा।
वाले, ये ना ये बहुत बड़ा झूठा है, बहुत बड़ा गुंडा है, ये ना मेरे पीछे पड़ा हुआ था। तुम ना अपने बाबूजी को कुछ मत बताना। मैं अपने बाबूजी से इतनी बड़ी बात नहीं छुपा सकती, उन्हें फोन करती हूँ, वो पुलिस को बुला लेंगे। दीदी अब क्या करें? छोटे ये तो दोनों जिंदा है। दीदी अगर ये दोनों जिंदा है तो हम मर जाएंगे। तू चिंता मत कर छोटे, मुझे पता है कि इनके साथ क्या करना है। ले जाओ इसे और फिर से ये इस गांव में नहीं मिलने चाहिए। ये फोन भी ले जाओ ताकि गांव वालों को लगे कि लड़की गांव से भाग गई। अब ये गांव में तो क्या जिले में भी नजर नहीं आएगी। लाली, ए लाली, आजा बाहर आजा, देख तुम्हारी पसंद की चीजें लेके आया हूं। लाली क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? लाली क्या हुआ बनोज, लाली कहाँ है? यही लाली घर से भाग गई। क्या पकड़ रहे हो? यानी जब कलम खेत में गए थे तभी लाली ने अपने दोस्त राजू को वहाँ बुला लिया था, मुझे तभी से ये बात खटक रही थी, इसलिए मैंने आस पड़ोस के लोगों से पता भी किया था। क्या पता किया? वो उसकी दोस्त है और कुछ भी नहीं। दोस्ती को प्यार में बदलते हुए डर नहीं लगता? ऐसा होता वो तो सबसे पहले मुझे बताती। कैसे बताती जीजा जी, हमें पता है कि यह लड़का लड़की में शादी नहीं होती। नहीं हो सकती है क्यों, कहीं गोत्र मिल गया तो? इसी डर के कारण वो ना घर से भाग गई, और जब मैं सुबह उठी तो वो कमरे में नहीं थी। मैंने राजू के घर में पता किया था, राजू की माँ ने बोला कि वो कल रात से घर नहीं आया। नहीं, मेरी लाली ऐसा कुछ नहीं कर सकती है, मैं अभी पुलिस में रिपोर्ट कराऊंगा। पागल हो गए हो क्या? पुलिस में जाता हूँ। अरे लाली गायब नहीं हुई है, घर से भागी है, समझे? फोन फेंकने को कहता है तुझे? भूल गया यार। भूल गया? इधर ला, मैट कहाँ लगाता हूँ। चिल्ला रही है, थक जाएगी ना, तकलीफ होगी तुझे, और तुझे यहां बचाने वाला भी कोई नहीं है। अब तो तू यहां से बाहर उसी दिन जाएगी
जिस दिन तेरी बोली लगेगी। यहाँ पे साहब ये मेरी बेटी लाली को भगा कर ले गया। एक मिनट आप मेरी बात सुनिए, ये अभी अभी पुलिस स्टेशन में आप ही की बेटी लाली की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा कर आ रहा है, और इसे मैंने ही कहा था कि तू घर जा, मैं देखता हूँ। काका लाली मेरी बचपन की दोस्त है, मैं शहर गया हुआ था कॉलेज का फॉर्म भरने के लिए, माँ ने फोन करके बताया कि लाली गायब है, आज ही आया और आते उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवा के आ रहा हूँ। और ये रिपोर्ट आपको लिखवानी चाहिए थी क्योंकि आप लाली के पिताजी हैं और ये आपकी जिम्मेदारी है। मुझे लगा कि मेरी बेटी भाग गई, इसने मुझे रिपोर्ट लिखवाने में शर्म आ रही थी साहब। काका संभालिए अपने आप को, लाली मिल जाएगी। अंकल लाल जी, लाली को आखिरी बार किसने देखा? साहब मेरी बीवी और मेरे साले ने। सर मैंने लाली को देखा था इस राजू के साथ, वो मेरी दोस्त है, मेरे साथ देख लिया, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे साथ भाग गई। देखो ये बेकार का रोना, रोने से कोई फायदा नहीं। साहब मैं आपको सही सही बताती हूँ, कल शाम को लाली गुमसुम सी बैठी थी और फोन पर किसी से बतिया रही थी। मुझे लगा कि वो राजू से फोन पर बात कर रही है, लेकिन वो राजू से शायद फोन पर बात नहीं कर रही थी। जब सुबह देखा तो लाली अपने कमरे में नहीं थी सर, वो अपने कमरे से गायब थी। दीपक लाली की फोटो और सारे डिटेल्स ले लो और हर थाने में भिजवा दो। सर सर ये औरत झूठ बोल रही है, लाली का किसी लड़के के साथ कोई चक्कर नहीं था, उसने मुझसे यहां तक कहा था उसके बापू जिस लड़के से कहेंगे उसे शादी कर लेगी। मामला मुझे भी कुछ और ही लग रहा है। दीपक लाली का फोन ट्रेस पर लगाओ। देखो मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे मेरे बाबूजी के पास जाना है, मुझे मेरे बाबूजी के पास जाना है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ए गुजरिया, अरे भूख लगी होगी ना तुझे, ये ले खाना खा ले, ये ले। अरे मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं तुझे बता, अभी तो ना तुझे ठीक से छुआ है और ना जगह। ए गुजरिया, ये कैमरा तो बड़ा छुपा रुस्तम है, इसे अगर सारे बेडरूम में लगाया जाए तो बड़ी कमाई हो सकती है। वाह अम्मा, तुम्हारा दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज दौड़ता। इसलिए तो इतना बड़ा धंधा संभाल रहे। अच्छा बताओ बगीचे के सारे फूल बिक गए? अभी दो तीन बाकी है, और ये जो नई, ये तो कली है। हाँ अम्मा, लेकिन अगर काली के पास ज्यादा दिन छोड़ा तो फिर ये कली भी नहीं रहेगी। प्रणाम अम्मा जी। बताइए क्या सेवा करें आपकी? कुछ कोस दूर बस्ती गांव से एक लड़की गायब हुई है, ये रही उसकी फोटो। अम्मा जी आपके यहाँ तो बेसहारा लड़कियां लाई जाती है, देखिएगा जरा अगर इसकी कोई खबर मिली तो।
बड़ी प्यारी बच्ची है, बताते अगर कुछ पता चले तो। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मेरे बाबूजी के पास जाना है। बड़े मजे लिए जा रहे हैं। नहीं अम्मा, मैं तो इसका डर निकाल रहा था ताकि नीलामी के बाद कस्टमर से कोई कंप्लेंट ना हो। मुझे मेरे बाबूजी के पास जाना है। मुंह बंद करो। नहीं, मुझे जाने दीजिए। अम्मा, अम्मा, ओ, 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 अगली बार पूरी काट लूंगी। कितनी बार कहा है तुमने? हमारे बगीचे के फूल तोड़ने के लिए नहीं, बेचने के लिए होते हैं। तुम्हें क्या मानता ही नहीं? गलती हो गई अम्मा। दोबारा गलती करने के लायक नहीं छोड़ूंगी। पता है ना, सरोटे से बहुत कुछ कट सकता है। राणा, नीलामी की तैयारी करो, इसके पहले कि पुलिस ज्यादा नाक घुसाए, इनको ठिकाने लगाना होगा। लाली मनोज से तो बच गई थी, लेकिन अब वो मनोज से भी ज्यादा खूंखार और गंदे लोगों के बीच फंस गई थी, जिन्होंने उसे खरीद लिया था और उसकी नीलामी की तैयारी कर रहे थे। हाँ, नीलामी बिकता तो सामान है, पर इंसानों को खरीदने बेचने का ये सिलसिला बहुत पहले से इंसानियत के इतिहास में चल रहा है। दास प्रथा, जहां इंसानों को काम के लिए बेचा जाता रहा है। दास प्रथा तो अब नहीं है, लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग अब भी है। ये लड़कियों की खरीद फरोख्त का बिजनेस दुनिया का बहुत बड़ा बिजनेस है, जहां लड़कियों को सेक्स स्लेव और सामान की तरह बेचा जाता रहा है। आइए देखते हैं, लाली क्या इस व्यापार में फंस जाएगी या यहां से बचकर निकल जाएगी। दीपक सर, आईटी सेल वालों से कहो कॉल रिकॉर्ड जल्दी भेजें। सर, उन्होंने 2-3 घंटे में भेजेंगे ऐसा उन्होंने कहा है, पर सर पड़ोस के गांव से किसी ने आलोक वर्मा की मिसिंग रिपोर्ट लिखाई है। तो सर, आपके कहने पर मैंने बिमला और मनोज का बैकग्राउंड चेक किया है। आलोक बिमला का पहला पति है और उसका कॉल रिकॉर्ड्स पर डाला है वहां के एसएचओ ने। उसे सर आखिरी बार अपने ही गांव में देखा गया है। मुझे क्या पता था सर कि वो लाश बेटा मरा नहीं है। सर वो बेवड़ा था, दारू पीता था, मुझे मारता था, पीटता था, मुझे डराता था, धमकाता था, मुझसे पैसे मांगता था। सर वो यहाँ भी आया था पैसे मांगने के लिए। तुमने मुझे आज तक बताया क्यों नहीं? क्या बताती आपको, ये बताती अपना टुकड़ा या बेटे के बारे में बताती? मनोज जी, आप बड़े चुप चुप हैं। सर ये क्या बताएगा, ये तो घर पर ही नहीं था जब आलोक आया, वो तो खेत पर गया था लाली के साथ। तो सर इसको कुछ नहीं पता। सर आप उस पेवड़ के बारे में इतना क्यों पूछ रहे हैं? सर हमारी बेटी गायब हुई है, पता नहीं कहाँ होगी, कैसी होगी, किस हाल में होगी। सर हमारे बेटे को ढूंढ दीजिए सर। कच्ची कली है कमला, बड़े दिनों बाद ऐसी कच्ची कली मिली है, अच्छे दाम आएंगे। सुंदर सी ड्रेस बनवा रहे, एकदम परी जैसी ड्रेस बनाना, इसे देखते ही बूढ़े जवान हो जाए। अरे अम्मा, मैंने कभी भद्दी ड्रेस बनाई है? हाँ, कमर दिखनी चाहिए और ब्लाउज एकदम लो कट। आप चिंता मत करो, बिल्कुल ऐसी बनाऊंगी, आप भी देखती रह जाओ। मेरी बेटी वहां मिलेगी ना शंकर लाल?
आपकी बेटी की फोन की लोकेशन वहीं की है, और अगर लाली वहीं पे है तो कौशल्या जी हमें जरूर फोन करती ना। चलिए देखते हैं। आइए दरोगा जी, क्या सेवा करें आपकी? तो बात यह है कि कहाँ है मेरी बेटी, कहाँ है मेरी बेटी? कौन है ये? ये लाली के पिताजी। लाली का फोन ट्रेस हुआ, 3 रात पहले की लोकेशन आखिरी बार यही की है। क्या, ये कैसे हो सकता है? यहाँ की हर लड़की का पता होता है, पिछले 3 रात में तो यहाँ कोई नहीं आया। पर अम्मा जी, फोन की लोकेशन झूठ नहीं बोलती। नालायक, पहले क्यों नहीं बताया? क्या नहीं बताया अम्मा जी? दरोगा जी, 3 दिन पहले बबलू आया था, गांव का मामूली चोर है, चोरी का छोटा मोटा सामान बेचता रहता है, मोबाइल दिखाने आया था पर राणा ने भगा दिया था उसे। सर, मैं इस बबलू का पता लगाता हूँ। हाँ साहब, पता नहीं मुझे क्यों लगता है मेरी बेटी यहीं कहीं पे है। लाली, 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 लाली। माँ जी, सुन लेने दीजिए बेचारे बाप को अपने दिल की आवाज, देख लेने दीजिए अपनी हवेली, तसल्ली हो जाएगी। तो ढूंढ ले चाहिए। चलिए। लाली, दीपक देखो उधर जल्दी। लाली, 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 बोलो इसको। अंकल लाल जी, देखिए यहां पे तो कुछ नहीं मिला। साहब, यहां देखिए क्या। हाँ देखते हैं, चलिए। लाली, 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 देखो पीछे उसके। अच्छा हुआ मनोज ने बता दिया कि पुलिस आ रही, और हमने सब साफ सफाई कर ली। चलो चलो, जल्दी काम निपटाना है, जल्दी करो, जल्दी करो। अरे जल्दी से काम निपटाओ, पुलिस कभी भी आती होगी। ठको दरोगा जी, कुछ मिला? नहीं, पर ये सब दान में मिला हुआ अनाज है, सेवा जो करते हैं जनता की। चलो। भाई साहब, हमने आपको बताया था ना कि आपकी बेटी यहां नहीं हो सकती। चलिए शंकर जी। ये सब दान में मिला हुआ अनाज है, दीपक। यस सर। इस एनजीओ और कौशल जी पर नजर रखो। यस सर। लाली इसी के पास है, उनकी गाड़ी में जीपीएस लगवा दो। यस सर। पर ध्यान रहे, हमें बहुत होशियारी से काम करना है। यस सर। वरना लाली की जान को खतरा हो सकता है। सर ये तो आलोक है। खोलो इसे। यस सर।
शंकरलाल जी, मेरा शक सही था। मैंने आलोक का फोन नंबर भी ट्रेस पर लगाया था और उसका फोन रात को ऑन हुआ इसी एरिया में, और वो फिर मिला कानपुर वाली बस में। मैंने ये भी नोटिस किया कि कैसे आपका साला आपको आराम करने कहकर खुद ही खेत के आसपास आया जाया करता था। साहब, इसका मतलब ये है कि आपकी पत्नी और साले ने ही से यहां बांधा है। मेरी बेटी लाली के साथ क्या किया होगा उन लोगों ने? शंकरलाल जी, संभालिए अपने आप को प्लीज। अरेस्ट कर लीजिए, पकड़ लो उनको। अरे आप मुझे क्यों पकड़ रही है? हमें सब कुछ पता चल चुका है भैया जी, हम लोग बेकसूर हैं। हमें बचा लीजिए, इन्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हमें माफ कर दीजिए, हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए भगवान के लिए। उस दिन लाली ने सबको सुन लिया था। ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये? कौन हूं मैं? मैं इसका पति हूं। ये दोनों मुझे मारकर भाग गए थे, अब मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा। तुमने अपने बाबूजी को कुछ मत बताना। मैं अपने बाबूजी से इतनी बड़ी बात नहीं छुपा सकती। उन्हें फोन करती हूँ, वो पुलिस को बुला लेंगे। काली और मनोज ने लाली को बेच दिया। ले चलो इन्हें। वो कच्ची कली कहाँ है? छोड़ो, छोड़ो मुझे। इन लड़कियों को नशे का इंजेक्शन मार दो ताकि वहां कोई नाटक ना हो। जी अम्मा। छोड़ो। बोलो दीपक। सर, हमारी ट्रैकिंग सक्सेसफुल है। वेरी गुड, मुझसे लोकेशन शेयर करो, मैं पहुंचता हुआ। पर ध्यान रहे, हमें उन्हें डराना नहीं है और ना ही चेस करना है। बहुत ही आराम से हमें उनका पीछा करना है ताकि हम उनका ऑपरेशन देख सकें। हमारा मेन टारगेट है फाइनल लोकेशन पर रेड। मेहरबान कदरदान, इस तिमाही महफिल में आप सबका स्वागत है। हमें पता है कि आप सबकी उम्र चाहे कुछ भी हो पर दिल से जवान हो, और इसलिए हर 3 महीने में हम आपके लिए हमारे बागानों से चुने हुए खूबसूरत फूल पेश करते हैं। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, फूल तो दो ही है, तीसरी तो कमसिन से कली। तो चलिए देखते हैं। तो चलो बोली लगाओ। कौशल्या जी, इस कच्ची कली के 2 लाख दूंगा। बहुत कम, बहुत कम। इस 3 नंबर फूल के हम 2.5 लाख देंगे। नहीं रतन जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। और ये 2 नंबर का फूल है ना, वो अच्छा मसाज कर लेती है और अंग्रेजी तो यूं पट पट बोलती है। तो चलिए बोली लगाइए। 4 लाख। नहीं 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 नहीं, अरे डील खोलिए और आपके साथ
आपकी जेब भी खोली है। 4,50,000। नहीं रतन जी, ये कम है। चलिए चलिए, बोलिए और बोलिए। कौशल्या जी, ये कच्ची गली के लिए 5,00,000 रुपए। ये हुई ना बात। वाह दामोदर जी वाह। ये कमसिन सी कली आज से दामोदर शेठ की हुई। देखा, मैंने कहा था ना, ये कच्ची कली अच्छे दाम दिलाएगी। शंकरलाल जी, ताली को संभाल लिए, हम बाकी लोगों को देखते। चलो दीपक। बाबू जी। लाली ठीक है ना? तो ठीक है, तू चाहती तेरा तेरा पति तेरे बाबू जैसा हो। ये राजू है ना, ये मेरे से भी अच्छा है। राजू माँ, तू तो हमेशा सही कहती है। और हम जेल में और भी अच्छे दाम दिलवाएंगे। आपका खेल खत्म कौशल्य जी, ले चलो सबको। चल चल, अरे आ रहे हैं हम। घर डालो सबको। लाली बच गई, लेकिन उसके साथ जो हुआ वो उसे कभी भी भुला नहीं पाएगी। इंसान को बुद्धिजीवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति होती है। लेकिन ऐसा लगता है कि समय के साथ साथ हमारी सोचने की शक्ति क्षीण होती जा रही है। हम कुछ भी करने से पहले यह भूल जाते हैं कि हमारे कर्मों का प्रभाव समाज पर और सामने वाले इंसान पर भी पड़ता है। एसिड अटैक विक्टिम्स, रेप विक्टिम्स, लाली जैसे लोग हम इन्हें बचा तो लेते हैं, लेकिन इनकी सारी जिंदगी डर के साए में गुजरती है। जरूरी है बदलाव लाने की, और बदलाव हमेशा छोटी छोटी चीजों से आता है। हमें दूसरों के प्रति सहनशील रहना होगा, संवेदनशील रहना होगा, और लाली जैसे विक्टिम्स को एक सुरक्षित स्थान प्रदान करना होगा। इसी के साथ मैं अमित पचौरी क्राइम अलर्ट की आज की इस कहानी में विदा लेता हूं आपसे। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना है तो अलर्ट रहना होगा। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।